हेलो दोस्तों, वेलकम टू रामानंद इंजीनियरिंग वर्कशॉप। रामानंद इंजीनियरिंग वर्कशॉप में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको घंटे में 200 केजी वाली मशीन में कुछ प्राइम्स आइटम रोस्ट करके दिखाएंगे। तो उस प्राइम्स आइटम किस क्वालिटी में रोस्ट होके निकलेगी और कौन कौन सी प्राइम्स आइटम इसमें आप रोस्ट कर सकते हैं। वैसे आप बहुत सारे प्राइम्स आइटम रोस्ट कर सकते हैं, लेकिन आज कुछ प्राइम्स आइटम आपको दिखाया जाएगा रोस्ट करके। तो वीडियो को अंत तक देखें। तो जो मशीन देख रहे हो, अभी घंटे में 200 केजी वाली मशीन है जिसको हमने गैस के बर्नर के साथ इस्तेमाल करके दिखाया है। तो आप देख सकते हैं जो गैस का बर्नर है वो किस तरह से लगाया गया है। और इस मशीन के साथ आपको मोटर, बेल्ट, चक्का वगैरह ये सब फ्री में दिया जाता है, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। तो देख सकते हैं धीरे धीरे जो फ्राइम्स आइटम है, जो इसे हम फिंगर रोल फ्राइम्स आइटम कहते हैं, वो निकल रहा है और कितनी अच्छी क्वालिटी में रोस्ट होके निकल रहा है वो आप खुद देख सकते हैं। तो देखिए, इसके बाद जो पास्ता है, वो पास्ता आइटम जो फ्राइम्स आइटम रहता है उसको भी डाला गया है, वो भी रोस्ट होके निकलेगा। तो इसी टाइप की और भी मशीन के बारे में जानकारी के लिए हमारे कंपनी के नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर आपके स्क्रीन पर और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी। इस नंबर पर आप कॉल करके कुछ भी जानकारी ले सकते हैं। और दोस्तों, तो देख सकते हैं जो पास्ता है वो किस तरह से निकल रहा है रोस्ट होके। इसको बाद में आपको नमक या कोई भी मसाला जो है आपको मिलाकर उसको पैकेजिंग करके आप सेल कर सकते हैं मार्केट में। तो देख सकते क्वालिटी कितनी अच्छी क्वालिटी में है। और जो फ्राइम्स आइटम है दोस्तों, इसको आपको नमक में करना है। बालू में करेंगे तो आपका जो फ्राइम्स आइटम के अंदर घुस जाएगा तो बालू का टेस्ट आएगा। इसलिए आपको फ्राइम्स आइटम अगर रोस्ट करते हैं तो आपको उसको बालू में करना है। तो देख सकते हैं अभी जो चना है उस चने को डाला जा रहा है। अब चना रोस्ट करके दिखाएंगे। तो चने को भी डाला गया है होलर पे। अभी जो लास्ट में है वो आपका मुरमुरा रोस्ट करके दिखाएंगे। तो मुरमुरा तो आप लोग देख ही चुके हैं, मुरमुरा को के लिए कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। और इसमें जो गैस है, गैस घंटे में आपका 3 से 3.5 किलो का खपत आएगा। तो आप अगर लकड़ी में करते हैं तो लकड़ी में खर्चा कम पड़ता है और लकड़ी में ही अच्छा होता है, आपका प्रॉफिट जो है वो थोड़ा ज़्यादा रहेगा अगर लकड़ी में करते हैं। तो दोस्तों, इसमें और कुछ ज़्यादा जानकारी है नहीं। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। धन्यवाद।